इस असाइनमेंट में कुछ नहीं है करने वाला, दो चीज़ें करने वाली सुन लो। लेंस कैसे काम करता है ये हमें पता है, प्लेन मिरर्स मैंने अभी करवाने हैं, इसको कुछ नहीं करना आपने, ये मेरी अगली क्लास का लेक्चर है। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, लेटरल मैग्निफिकेशन। आपने रिफ्रैक्टिंग सरफेस की थी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सारे केस किए, मैंने जितने केस करवाए उसमें मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, मैंने हाइट तो ली नहीं ऑब्जेक्ट की। मान लो क्वेश्चन में हाइट भी आ गई, अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? तो आप ध्यान से देखो, ये हाइट है, एक रे सीधी नॉर्मल में से और एक यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये रिफ्रैक्शन है। तो आप यहाँ पे साइन थीटा वन क्या लगाओगे? एच नॉट बाई यू, और साइन थीटा टू क्या लगाओगे? एच आई बाई वी। तो यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू वन इंटू साइन थीटा, म्यू टू इंटू साइन थीटा टू। साइन थीटा वन पुट कर दो, साइन थीटा टू पुट कर दो, यहाँ से इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज आ गया। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज आ गया, तो इसी को तो क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस में यूज करना पड़ जाए तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, हाईलाइट कर लो इसमें, क्योंकि ये नियम ने किया। अगर मान लो कल को रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मैग्निफिकेशन आई तो कैसे करनी है उसका आइडिया होना चाहिए। एनसीईआरटी में तो नहीं आएगी, कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव के अंदर कहीं आ गई तो पता होना चाहिए।